जिला कवर्धा ब्लॉक पंडरिया से 25 किलोमीटर दूरी ग्राम छजन खार पे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने के कारण वहां के बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पाता। सरकार कुपोषण बचाव की बात करती है, लेकिन वहां के बच्चे शिशुवती गर्भवती महिलाएं पोषण आहार से वंचित हैं। गांव में कब से आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है? 13-14 वर्ष हो गए हमारे गाँव में आंगनबाड़ी नहीं है। कि आंगनबाड़ी नहीं है तो आप मन आंगनबाड़ी खोलवाए बा कहीं एप्लीकेशन वगैरह अधिकारी के पास दिए हो? हम सरकार पर जाए पर डरा थन दीदी अब लजा थन तो हम जाबे नहीं कर न हमारे गांव में कोई पढ़े लिखे है नहीं है। क्या आंगनबाड़ी नहीं है तो आप मन आंगनबाड़ी खोलवाए बा एप्लीकेशन वगैरह अधिकारी के पास दिए हो? नहीं दीदी, हमारे गाँव में पढ़े लिखे नहीं है कोई तो हम सरकार के पास जाए बट रहा था। आपके गाँव में 0 से 6 वर्ष के बच्चा कितना है? 35-36 बच्चा है। तो आप मन कौन सा आंगनबाड़ी में भेजते हो टीकाकरण के लिए, कहाँ जाते हो? हम कहीं नहीं भेजन दीदी, पोलमी है तो 2 किलोमीटर दूर है, बीच में नाला भी है, इस कारण हमारे बच्चा मन हम नहीं भेजन और टीकाकरण के लिए भी नहीं जान कहीं। मैं अधिकारी के पास गई और आंगनबाड़ी खुलवाने के संबंध में उससे बातचीत की और परियोजना अधिकारी खुलवाने का वायदा किया। ग्राम सजन खार पे आंगनबाड़ी नहीं है शुरू से, वहाँ के आंगनबाड़ी खुलवाने के संबंध में मैं वीडियो बनाई हूँ जी, और वहाँ के आंगनबाड़ी खुलवाने के संबंध में आपका क्या राय है मैडम? आंगनबाड़ी वहाँ खोलने के लिए तो पहले वहाँ का प्रस्ताव भेजा जा चुका है शासन को, अब स्वीकृत होने के बाद खुल जाएगी। कब तक खुल जाएगा मैडम? अब वो शासन के ऊपर निर्भर करते हो कितना जल्दी खोलेंगे। अब हम लोग अपने स्तर से काम और तो बढ़ा दिए। मेरे इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों से अनुरोध है कि ग्राम सजन खार में आंगनबाड़ी केंद्र खुलवाने के लिए परियोजना अधिकारी शीला जी को 9926142832 इस नंबर पे कॉल करके दबाव बनाइए। मैं दीना गणवीर, ग्राम सजन खार, ब्लॉक पंडरिया, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़, इंडिया, अनहट के लिए।